चित्रोली ने खून कर दिया। तो गया कहाँ? गया कहाँ चित्रोली? भाग गया। प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, जरा हटिए आप लोग, प्लीज प्लीज। सर इसके पर्स में से ये क्रेडिट कार्ड मिला, इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ये यहीं पे मुंबई में रहता है। घर वालों को खबर कर दी? आती हूँ। नाम क्या इसका? सूरज नाम है इसका। सूरज, आजकल इस तरह की वारदातें बहुत आम हो गई है, कोई भी किसी को चलती ट्रेन में बिस्किट खिला देता है, कभी कुछ खिला देता है, बेहोश करके सारा सामान लूट लेता है, लेकिन इसका तो खून ही कर दिया है। इसका गला घोटा गया, क्योंकि गले पे पत्ते निशान देखे हैं, लगता है किसी ने इस वायर से इसका गला घोटा है। इस वायर से? ये वायर मिला कहाँ? यहीं पे पड़ा हुआ था, इसी के पास। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर खूनी ने इस वायर से सूरज का गला घोटा है तो फिर खूनी इस वायर को यहीं पे छोड़ के भाग क्यों गया? बड़ी खूनी ने यह खून रात के अंधेरे में किया होगा, जब सारे यात्री सो रहे होंगे, और हो सकता है किसी की आहट सुनकर ये हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में ये वायर छोड़कर भाग गया यहाँ से। जब ट्रेन स्टेशन पे आई तब लोगों ने देखा कि ये उठ ही नहीं रहा है, सोते ही जा रहा है, पर बीच के किसी स्टेशन पे खूनी उतर के भाग गया होगा। मैडम संभालिए अपने आप को। क्या हुआ मेरे बेटे को? मैडम प्लीज आप भी संभालिए अपने आप को, आपके बेटे का खून हो गया। कल आने वाला था तो फिर आज कैसे आ गया, और वो भी ट्रेन से? प्लेन जाते तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट, इसके पॉकेट में से मुझे ये केबल कार का टिकट भी मिला। केबल कार का टिकट हरिद्वार का? ओह, मनसा देवी जाने के लिए लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए सूरज ने ये टिकट खरीदी होगी। इस बैग पे सूरज का नाम लिखा हुआ है, ये बैग सूरज का है? ये उसी का बैग है। लोटा? लेकिन जब ये मुंबई से गया था तब उसके पास लोटा नहीं था। तो इसका मतलब ये लोटा उसने हरिद्वार में खरीदा हो। प्लीज देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इस वक्त हमारे बाकी के सीआईडी ऑफिसर्स हरिद्वार में, मैं उन्हें ये लोटा और ये टिकट भिजवा देता हूँ। आपके बेटे सूरज का खून किसने किया है वो लोग पता लगा लेंगे। ये वो लोटा जो सूरज का नाम लिखा हुआ जिस पर, यहीं से भेजा गया है हरिद्वार से। नाम तो खुदा हुआ है सूरज का, मालूम नहीं खरीदा कहाँ से होगा इसे। यहाँ पे जितने भी बर्तन की दुकानें हैं जहाँ पे ऐसे लोटे मिलते हैं वहाँ दिखा के पूछ मारेंगे। और सामान में ये तो टिकट भी तो मिले हैं केबल कार के, जिसमें बैठ के मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। दो टिकटें हैं, मतलब सूरज के साथ एक आदमी और भेजा। एक काम करो जय, तुम मनसा देवी मंदिर जाओ, केबल कार वालों से पूछताछ करो, तब तक हम लोग बर्तन की दुकानों में इस लोटे के बारे में पूछते हैं। हाँ हेलो शिव, हर की पेड़ी के ब्रिज पे मिलो हमें।
हाँ वहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। ओके यहाँ से नजदीक पड़ेगा हमें। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को पहचानते हो? भाई साहब, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। जरा ये फोटो देखिए, 14 मई को आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा ना? कहीं और भी बवाल किया क्या उसने? क्यों, यहाँ पे भी उसने कुछ बवाल किया था क्या? काफी पखेड़ा खड़ा हो गया था यहाँ पर। क्या किया था इसने? यहाँ पे केबल कार रुकी नहीं कि वो कूद गया, आस पास के लोगों को धक्का देता हुआ भाग गया था। पर ये भागा क्यों? क्या मालूम, घबराया हुआ था, डर के मारे चेहरा लाल हो गया था उसका। ऊपर कुछ हुआ था? क्या मालूम, वो ऊपर ही हुआ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं। थैंक यू। हाँ बस यहीं पे लगा लगा लगा, रोको। मॉर्निंग सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हाल है शिव तुम्हारे? बढ़िया सर। ये इंस्पेक्टर विनीत। हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा ये मार्केट कहाँ दिखा? आओ सर यहीं पास में। ये सूरज किस होटल में ठहरा था इसके बारे में कुछ पता चला? सर किसी भी होटल के बारे में कुछ पता नहीं है। आ गया। इसको देखो। ये सूरज का नाम लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पे जितनी मार्केट है वहाँ पे इसको दिखा के इसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। सर पांच छह दुकानें तो इसी मार्केट में है सर, और हर की पौड़ी के पास सबसे यही जगह है। बढ़िया, देखते हैं ये लोटा हमें कहाँ लेकर जाता है। जी सर, जिस आदमी ने उस लोटे पर सूरज का नाम लिखा होगा वो तो उसे पहचान ही लेगा। इधर है दुकान? सर यहीं पास में है। मार्केट सर यहीं से शुरू होता है सर। यस सर। ठीक है, एक काम करो उसकी फोटो दिखा के पूछो सूरज, किसी ने देखा है क्या?
नहीं सर, उधर कुछ पता नहीं चला। उधर तो कुछ पता नहीं चला, मगर यहाँ पास में एक शंभू की दुकान है। शंभू? हाँ। चलो दिखा। अरे इंस्पेक्टर शिव, कहाँ थे भाई? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बस आजकल एक केस में फंसा था। ये मेरे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये इंस्पेक्टर विनीत, ये सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। अरे क्या हुआ, अब हमारी चर्चा सीआईडी में भी होने लगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे थोड़ा एक काम था। आप जरा ये देखिए। हाँ ये तो लोटा ही है। हाँ लोटा है, लेकिन सर देखिए इस पे यहाँ इधर नीचे कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ ये तो हमने ही लिखा है, हमारे यहाँ का ही है। आपके यहाँ का? किसको किसको बेचा था आपने? शायद दो दिन पहले ही बेचा हमने, मगर दो लोटे खरीदे थे उन्होंने। दो लोटे खरीदे थे उन्होंने? ये दो तीन लोग आए थे क्या? हाँ दो थे। दो लोग थे, ये दूसरे वाले ने गड़बड़ किया होगा। ये आप जरा ये फोटो देखिए, उनमें से एक यही था क्या? हाँ उनमें से एक यही है। क्या हुआ सर? दरअसल इस लोटे के मालिक का खून हो गया। अरे बाप रे। देखिए हमें आपकी थोड़ी मदद और चाहिए। ये जो दो लोग आए थे लोटा खरीदने के लिए, ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ याद है आपको क्या क्या बोल रहे थे? आपस में क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उनमें से दूसरे ने मुझसे कुछ पूछा था। क्या 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 पूछा था? वो कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के लिए भगवान के अलग अलग दो फोटो चाहिए, और मैंने उन्हें शर्मा जी की दुकान पर भेज दिया। ये शर्मा जी की दुकान कहाँ है? मुझे मालूम है सर, यहीं पास में ही है। आपको मालूम? यस सर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा बहुत काम आसान कर दिया। चलो दिखाओ दुकान कहाँ पे है, दिखाओ। जो कुछ भी हुआ है ऊपर ही हुआ होगा या फिर रास्ते में, नहीं तो ऐसे कोई अचानक क्यों भागेगा? सर उसे किसी ने धमकाया होगा। हाँ तो हल्ला मचा देता, इतनी भीड़ थी कोई ना कोई तो आ जाता मदद करने के लिए। तो फिर सर? कुछ तो हुआ है। अरे ये क्या है? पुलिस की पीली टेप। सर इस केबल कार से यहाँ पर कोई गिरा होगा। कहीं सूरज ने यही तो नहीं देख लिया? एक काम करते हैं नीचे चलते हैं। नीचे सर? हाँ हाँ वहां पे जहां से हम इस केबल कार में बैठे थे। सर यही वाली दुकान है ये वाली। हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, गंगा मैया की जय। अरे अरे ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये है इंस्पेक्टर विनीत जी, ये सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ सर? शर्मा जी बात ऐसी है, ये जो शंभू जी है ना जो पीछे बर्तन की दुकान वाले जी, उन्होंने दो दिन पहले आपके पास दो लोगों को भेजा था। एक के पास ऐसा ही लोटा था, उन्हें ऐसी भगवान की फोटो चाहिए थी, कुछ याद है आपको? जी जी, एक का नाम नितिन है सर। नितिन? आपको आपको कैसे मालूम उसका नाम? उसने मेरे से 10 फ्रेम खरीदे। 10 फ्रेम? जी हाँ, मेरे यहाँ तो जो भी कस्टमर आता है 3-4 लिए बगैर जाता ही नहीं। और इस नितिन का क्या हुआ? उसने 10 फ्रेम खरीदे और कहा आप पैक करके रखो मैं आता हूँ, मगर वो लौट के आए नहीं। बंदा आए नहीं? क्यों क्यों? क्या मालूम, मैंने तो सारे के सारे फ्रेम पैक करके उसके होटल भेज दिए थे, पर वो तो पहले ही निकल गया था होटल छोड़ के। होटल? कौन कौन सा होटल, कौन सा होटल? सुनो भाई साहब। क्या साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ वो नीचे पहाड़ में पुलिस की पीली टेप देखी, कुछ हुआ था क्या? वो एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ। कैसा एक्सीडेंट? अरे लोकल गाइड था, टूरिस्ट के साथ जा रहा था, कुछ लोगों ने घेर लिया उसे लूटने के इरादे से, और हाथापाई हुई और वो पहाड़ से गिर गया। वो टूरिस्ट कौन था, नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम था। और वो गाइड जो उस टूरिस्ट के साथ में था वो भी पता नहीं कौन था। ठीक है थैंक यू। तो इस बात की जानकारी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता चलेगी, वहीं से पता चलेगा कि वो गाइड कौन था और टूरिस्ट कौन था जिसकी मौत हो।
देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो, आपके यहाँ कोई नितिन नाम का पैसेंजर ठहरा हुआ था ना, उसके बारे में पूछताछ करनी है। नितिन? अरे उसने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? दो दिन पहले भी एक लड़का 10 फोटो फ्रेम लेकर आया था उसके लिए। मालूम है हमें, मगर उसने एक भी फोटो फ्रेम नहीं ली। होटल में होता तो लेता ना, दो दिन से तो होटल में आए नहीं। अच्छा, उसका सामान क्या, वो सामान लेकर गया या यहीं पर रखा? नहीं, उसका सामान यहीं पर है सब। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या ये नितिन यहाँ अकेले आया था या उसके साथ कोई सूरज नाम का आदमी भी था? हाँ, सूरज नाम का एक लड़का आया था, एक ही कमरे में ठहरे थे दो। दोनों में दोस्ती थी ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। ये नितिन ने अपना एड्रेस या फोन नंबर तो लिखवा ही होगा। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। ये नितिन दिल्ली का रहने वाला है। ये लीजिए सर, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। थैंक यू। यू वेलकम सर। सर, वहां सूरज का खून हुआ और यहाँ ये नितिन गायब है। हाँ, इस नितिन के घर वालों से पूछताछ करेंगे, अगर भागा है यहाँ से तो घर पहुंचा ही होगा। साहब, दो तीन घंटे हो चुका है, इतना बेसुरा गा रहा है कि नाक में दम करके रखा है। नाक में तुम्हारे भी दम करके रखा है। काम दिया था वो हो गया? हाँ साहब। मार दिया उसको? हाँ जी साहब। और उससे मारते हैं, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब। तो आगे से मुझसे मत मिलना। ओके साहब। भाग जाने से। आदमी है क्या है? कितना खाता है? 3 घंटे से खा रहा है? मारा पैसा है, मारा पेट है, तारे को तकलीफ क्यों हो रही है सर? एक मिनट, ये चेहरा ऊपर कर। मैंने तुझे कहीं देखा है? अरे कहाँ गया? सर वो सब मैं फंस गया सर, मैं फंस गया सर। मैं निखिल, ये मत भूलो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सर मैं सीआईडी ऑफिसर का ही रोल कर रहा था सर। मैं ये मिमियानी की आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे गले में से? हैं सर, वो पकड़ा गया सर, वो डीसीपी साहब ने पहचान लिया सर। डीसीपी साहब ने पहचान लिया? हाँ सर। सर वो तुम्हारा तथा फाफा हो गया? हाँ सर। हाँ सर, क्या ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, तो फिर डरते क्यों हो? सर वो डीसीपी साहब तो आपके भी बॉस हैं सर, इसलिए वो। कौन बोला तुम्हें डरने के लिए? हाँ, कौन बोला? सर वहाँ पे एक और भी ऐसी चीज हुई सर कि वो। क्या, ये बताओ। सर जिस आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी वो आदमी डीसीपी साहब से मिलने आया था सर। क्या? जिसने ढेंचू पर गोली चलाई वो
डीसीपी चित्रोले का आदमी है। सर मुझे लगता है कि मरते दम तक हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि ये डीसीपी चित्रोले है कौन। दया ये मामला कुछ और ही हो गया है। दया मामला कुछ और ही हो गया है। ढीचू डीसीपी चित्रोले का आदमी है तो उससे मरवाने में चित्रोले अपने हाथ काले नहीं करेगा, अपने हाथ काले नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ढीचू पर गोली चली तब ढीचू के आसपास कितने लोग थे? आप कहना क्या चाह रहे सर? समझ गए ना दया मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ढीचू के आसपास 7-8 लोग थे। और कौन था? और मैं और अभिजीत। एग्जैक्टली दया, तुम और अभिजीत। जिसने भी ढीचू पर गोली चलाई ना वो तुम दोनों में से किसी को मारना चाहता था। तुम दोनों में से किसी को। मतलब डीसीपी चित्रोले हमें मरवाना चाहता था? यस यस। मगर क्यों सर? क्या मालूम, क्या मालूम। सर जो आदमी पहाड़ पे से गिर के मरा था उसका नाम नितिन है। नितिन? हाँ सर। सूरज के दोस्त का नाम भी तो नितिन था। हाँ सर, और वो गायब भी है। कहीं ये वो नितिन तो नहीं? मतलब सर सूरज का दोस्त नितिन सूरज का खून करके भागा नहीं है, वो मर गया। माय गॉड, क्या ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ सर, ये सूरज जब केबल कार में बैठा था तो उसने कुछ देखा था और वहां से भागा वो। और नीचे लाश पड़ी थी नितिन की दया, नितिन की लाश थी। और जैसे सूरज ने उस लाश को देखा वो वहां से भाग निकला। इसका एक ही मतलब है कि सूरज का खून होने से पहले ही नितिन की मौत हो चुकी थी। और हम लोग नितिन पे शक कर रहे थे। वो गाइड कहाँ है जो नितिन के साथ था जब नितिन ऊपर से गिरा? कहाँ है वो? सर उसका नाम कल्पेश है और वो रोज हर की पौड़ी मार्केट में आता है। हरी की पौड़ी? तो फिर घेरो इस गाइड को, घेरो और उठाओ इसे। ये यहाँ की स्पेशल जगह है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये गंगा है, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी। और ये पूरा हरिद्वार। इस वक्त यही होना चाहिए कल्पेश। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर भी हैं। यहाँ पे देखिए 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 वो देखिए, दिख रहा है सर? वो रहा कल्पेश। कल्पेश आप चलिए, मैं आया। जय सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। CID से आए सर लोग, जो भी पूछे बता दो। ठीक है साहब। तुम नितिन के साथ में थे? हाँ जी साहब। उसको पहाड़ों के रास्ते से मनसा देवी मंदिर ले गए थे साहब, वो ट्रैकिंग में जाना चाहता था। तो नितिन पहाड़ी से नीचे कैसे गिरा? साहब हम लोग जा रहे थे साहब, अचानक से 4 लोग आ गए, उन्होंने हम लोगों पर धावा बोल दिया साहब। मैं तो वहीं पे गिर गया और उन्होंने नितिन को उठा के पहाड़ से नीचे फेंक दिया साहब। कौन लोग थे? तुमने देखा उनको? नहीं साहब, चेहरा ढका हुआ था। अच्छा, वैसे लुटेरे लोग तो ज़्यादातर माल वाल छीन के चले जाते हैं, नितिन का खून क्यों कर दिया उन्होंने? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2-4 हॉकी मेरे भी लगा के चले गए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है जा। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक का खून कर दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया? मामला गड़बड़ है, 4-5 हॉकी लगी ऐसे और शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं। जरा पकड़ के लाओ इसे। ए सुन, रुक। जल्दी हटो, मैं CID से उस आदमी का पीछा करना।
कहाँ भाग रहा है? बोल। साहब गलती हो गई साहब, वो साहब मुझे कहा गया था कि नितिन को अकेला लेके पहाड़ी वाली सड़क पे आ जाना साहब, ताकि उसका खून कर दे। हाँ साहब। किसने कहा था ये सब करने के लिए? साहब बताऊंगा तो मुझे मार देंगे साहब। और अगर नहीं बताएगा तो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। ये गंगा नदी बता दो साहब। हाँ बता, कौन था वो? साहब वो अंगद साहब। कौन है ये अंगद? कहाँ मिलेगा ये अंगद? उसने भीमगौड़ा के पीछे कहीं घर लिया है साहब। भीमगौड़ा? नहीं ऐसी भी साहब। भगवान भगवान हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो तो दर्शन करने के लिए आया था और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उस बेचारे को किसी ने मारा है, खून किया है नितिन का। खून? लेकिन कोई नितिन का खून क्यों करेगा? होगा कोई दुश्मन। हो ही नहीं सकता, मेरे नितिन भैया तो इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नितिन काम क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस है और करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाया करता था। इंग्लैंड? अच्छा, करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाता था? हाँ सर। तो हो सकता है वहां पर कोई दुश्मन हो इसका? पता नहीं सर, अभी हफ्ता भर पहले ही तो इंग्लैंड से आए थे और कहने लगे कि हरिद्वार जाना है। तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए उसके साथ? वो कहने लगा मैं अकेले ही जाऊंगा। अच्छा, भैया के खूनी को जरूर सजा देना सर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस खूनी को पकड़ लेंगे, सजा देकर ही रहेंगे नितिन के खूनी को। नजर रखो इन चारों पर, नजर रखो नितिन के परिवार वालों पर। संगत को पहचानते हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा सर, लेकिन यहीं पास में मेरा एक खबरी है सर, उसने बताया कि अंगद यहाँ हरिद्वार का रहने वाला नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया। अरे यार, कहीं तो रहता होगा ना? हाँ सर, भीमकोड़ा के पास एक जगह है सर, शायद वहीं कहीं मिले। खबर पक्की है? हाँ सर। कहाँ है ये जगह, कितनी दूर है यहाँ से? सर पास में ही है। किसी अंगद को जानते हैं? कौन अंगद?
के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं, तू क्या चीज है? अब फटाफट बोलना शुरू कर, चल बोल। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, तो मैंने तो वही किया साहब जो मुझे बोला गया था। किसने बोला था? एक औरत थी, मालूम नहीं कि कौन है साहब। कहाँ मिली तुझे वो औरत? हर की बेड़ी के मार्केट में। चेहरा याद है उसका? चेहरा तो उसने चुन्नी से ढक रखा था साहब। अच्छा, चेहरा देखा नहीं, जानता भी नहीं, रास्ते में कोई आके बोलेगा किसी को मार दे तो मार देगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। उसने मुझे कहा कि नितिन को मार रहा है, मैंने मार दिया साहब। सर वो औरत कौन होगी? नितिन की फैमिली से पूछते हैं। अब तबीयत कैसी है इनकी? जब से नितिन के बारे में सुना है तब से बुखार चढ़ा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। खूनी के बारे में कुछ पता चला सर? खूनी पकड़ा गया है। कौन कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? अंगद नाम है उसका, अंगद। और उस अंगद ने हमें बताया भी कि एक औरत ने कहा उसे नितिन को मारने के लिए। औरत? लेकिन नितिन को कोई क्यों मरवाना चाहेगा? नितिन की किसी लड़की के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी, कभी बताया उसने? बिल्कुल नहीं, उसकी अगले हफ्ते ही तो सगाई थी और फिर उसके बाद शादी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई औरत है जिसे नितिन जानता था और उस औरत ने बदला लेने के लिए अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए। कौन है वो और उसका पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। जिस औरत ने अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए, उस औरत का पीछा किया अंगद ने और पता लग गया उसे वो औरत रहती कहाँ है। आज शाम को अंगद हमें मिलने वाला है और उस औरत के पास हमें लेके भी जाएगा। आज रात तक नितिन का खूनी हमारे शिकंजे में होगा। Yeah.
हाथ में चाकू नहीं, सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगेंगी। जीजा जी हैं? नितिन के जीजा जी अपने साले को मारकर पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? मैंने जानबूझ के नितिन को नहीं मरवाया सर। तो फिर क्यों मरवाया? मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। मजबूर था? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी, जरा हमें भी सुना। नितिन ने पुणे में जमीन खरीदी थी सर, मैंने वो धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली नकली कागज बनवाकर। और नितिन को इस बात का पता चल गया क्यों? उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। तो अंगद के हाथों उसको मरवा दिया? और मैंने ही उस गाइड को बोला था कि नितिन को पहाड़ वाले रास्ते से लेके जाए। और सूरज, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में आकर ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मिले ले जाओ इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और क्या कहा? वो आदमी जो मरा है वो गवर्नमेंट एजेंट था? अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर, फिर से कोई टेंशन? हाँ, ढेंचू मुंबई पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर यहाँ से तो निकला था बोल के मुंबई जा रहा है। वही तो, अब ये लगता है ये चित्रोली की कोई नई चाल है। चित्रोली की नई चाल। यहाँ क्या कर रहा है? देख बेटा, तू मुझ पर गोली चला के बच नहीं सकेगा। अरे ढेंचू भाई, हम यहाँ, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी छुप जा बेटे, मेरे आदमी तुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझसे बड़ा खबरी यहाँ दूसरा कोई नहीं, मुझ पर गोली क्यों चलाई? देख बेटे, होगा तू पहुंचा हुआ, पर चित्रला के सामने तो कुछ नहीं है, बस यही समझ ले, वरना अगली गोली तेरे सीने पे लगेगी। अरे भाई साहब, हम तो बात कहीं भी कर सकते थे ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ताकि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, उसका कोई गवाह ना रहे। इसी साहब, बचा लीजिए मुझे।
भाई भाई कहाँ ले जा रहे हो भाई? चुपचाप पड़ा रहे। हाँ हाँ ढेंचू अंदर लेटा हुआ, खत्म कर दूं? आपने तो कहा था उसे लेके आना, मार दूं? ओके For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.